मेरे साथ कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा है, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक है। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है उसकी जांच नहीं हो जाती और आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे और पैरों में जूते नहीं पहनेंगे। उन्हीं से बात करते हैं, आखिर आपने ये प्रण क्यों लिया? नमस्कार जी, देखिए हमारे शहर के अंदर हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। एक सीवरेज भी साफ करना होता था तो हमारी बहन बेटी को मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ता था शादी का कार्ड देके कि मेरी शादी है, मेरे यहाँ सीवरेज साफ़ करा दो। जब हमारे यहाँ सीवरेज साफ़ होता था, कल भी मेरे यहाँ एक बच्चा मर गया सीवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से। तो मैं MLA बना, मैंने सारी चीज़ें देखी, ये हो क्या रहा है, तो पता लगा करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि सर से ऊपर पानी चला गया। तकरीबन जब मुझे पहली बार इस करप्शन का पता लगा तो मैंने कहा ये 2000 करोड़ का करप्शन है। सरकार आंखें मूंदे बैठी रही और हमारे नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जांच हुई, जांच में ये स्पष्ट तौर पे आ गया कि 250 करोड़ के तो ऐसे काम हो गए हैं, ऐसी पेमेंट हो गई है जो एक ईंट नहीं लगी मौके पर। फिर मैंने इसकी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कराई, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के बाद विजिलेंस में इंक्वायरी गई, विजिलेंस में ये आ गया कि करप्शन हुआ है, अफसरों ने करप्शन किया है, ठेकेदारों ने करप्शन किया है। और करप्शन इस तरीके का हुआ, एक ठेका तो हमारे यहाँ 5,51,000 रुपये का था, मालूम है उसको इनहांसमेंट करके कितना कर दिया, 1,92,174 का, जो कि किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। तो पूरा और पूरा राज्य सरकार का करप्शन है या नगर निगम का करप्शन है? नहीं जी नहीं, ऊपर तक शामिल है, कमाल कर दिया आप। नगर निगम का क्या मतलब है? उसके बाद जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया और मैंने कहा कि भैया आप एक चूहिया को भी कब अंदर दोगे, तो सरकार का जवाब आया हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं टाइम बाउंड कराऊंगा, मैं ना जब तक कपड़े पहनूं सिले हुए, ना पैरों में जूते चप्पल डालूं। हालांकि उसके बाद इन्होंने एक ठेकेदार को अंदर किया है, पर बड़े मगरमच्छों को छोड़ रहे हैं ये। और FIR में नाम किसका लिखा है? लिपिक चपड़ासी। और एक SDO आज इस दुनिया में नहीं है, मृत SDO का नाम, रिटायर्ड अफसरों का नाम, जबकि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, सीनियर अधिकारी शामिल हैं, चीफ इंजीनियर लेवल के लोग शामिल हैं। और मैंने सरकार को, विजिलेंस को कागज़ भी दे के आया हूँ कि आप सबसे पहले इस सरकार का जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था 27 अक्टूबर 2019 को, जो ठेकेदार गिरफ्तार किया है, उसके साथ कितने आदमी गए, कहाँ कहाँ चार्टर प्लेन में गए, किस किस के साथ गए, जिससे कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। इन सब मुद्दों को लेके मैंने ये सब कर रखा। आपने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनसे क्या कुछ बात हुई और उनका क्या कुछ रिएक्शन था पूरे मामले पे? देखिए हम मिले मैडम से, अपनी पार्टी के बारे में बात करी, हरियाणा के बारे में चर्चा हुई उनसे और कैसे हमारा हरियाणा मजबूत हो। हमने बताया भी कि हरियाणा में बहुत अग्रेसिव होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। मैंने अपना सारा बताया, मैडम बहुत खुश हुए, बहुत मातृत्व आशीर्वाद दिया हमें, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्यार स्नेह दिया और बहुत शाबाशी दी कि नीरज शर्मा जी आप ऐसे ही आगे बढ़ो पार्टी के लिए काम। एक मेरा अंतिम सवाल है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खतरा हो सकती है, आम आदमी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो मतभेद हैं उसकी वजह से नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए मतभेद हर जगह चलते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए और हमारी पार्टी के नेताओं में कोई ऐसे मनभेद नहीं है। मतभेद है छोटे मोटे, वो सब सेंट्रल लीडरशिप की अध्यक्षता में ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीरज शर्मा जिन्होंने प्रण लिया है कि भ्रष्टाचार जब तक पूरे मामले को उजागर नहीं करते और उसमें सजा नहीं होती तब तक सिले हुए कपड़े ही नहीं पहनेंगे। और ऐसे में जबकि हरियाणा में कुछ ही वक्त में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान यूक्रेन से ज्यादातर लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं और जो भाग नहीं सके उनमें से हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। बूचा के साथ यूक्रेन के कई बड़े शहरों में नरसंहार की खबरें सामने आई, जहाँ रूसी सेना ने सामूहिक कत्लेआम कर लोगों को दफना दिया। रूस अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं यूक्रेन भी अपना एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरों के बीच रूसी सेना द्वारा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की भी खबर सामने आई। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि रूसी सेना ने मारियोपोल पर जहर बरसाया था।
ये हमला यूक्रेन के सैनिकों पर किया गया। इसके लिए रूसी सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और हवा से कुछ जहरीले पदार्थ गिराए, जिसके बाद सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि रूस द्वारा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की आशंका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही जता चुके हैं। आशंका जताते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हमलों को काफी गंभीरता से लेते हैं। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। अमेरिका जैसे देश रूस पर कड़े प्रतिबंध तो लगा रहा है, लेकिन इसका असर रूस पर जरा भी पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका भारत पर भी दबाव बनाने में जुटा हुआ है कि वो रूस से व्यापार में कमी लाए। इन सब चर्चाओं के बीच सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल बैठक की। इस दौरान जो बाइडेन ने अमेरिका और भारत यूक्रेन में रूसी युद्ध के प्रभावों से निपटने के लिए विचार विमर्श जारी रखने की बात कही, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने संकट से निपटने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालातों को चिंताजनक बताते हुए बूटा नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की। गौरतलब है कि बाइडेन और पीएम मोदी के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन पर रूसी हमले में कई शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि मारियोपोल पर रूस के हमले में 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। रूसी सैनिकों की ओर से किए जा रहे हमले में तमाम बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल से लेकर कई इमारतें जमीन दोज हो चुकी है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। लोगों के मन में सवाल था कि क्या विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री विधान परिषद के चुनावों में भी कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। मंगलवार को चुनाव के नतीजे आने के साथ ही इस बात पर मुहर भी लग गई कि उत्तर प्रदेश में योगी को हराना इस समय किसी विपक्षी पार्टी के बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधानसभा परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सूबे की 36 MLC सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 MLC सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय ने फिर से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत ने साफ कर दिया है कि जनता को काम करने वाले पसंद है। बीजेपी के MLC चुनाव में किए गए एक और करिश्मे से ये बात तो साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय CM योगी पर पूरा भरोसा जता रही है। फिर चाहे विपक्ष कितना ही दावा कर ले कि जनता महंगाई के साथ बेरोजगारी और किसान अपने मुद्दों को लेकर परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता ने एक बार फिर योगी के काम पर भरोसा जताया है। अगर आपके घर में नींबू रखा हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चोर आजकल सोना चांदी नहीं नींबू की चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोरी की ये घटना आपको सोचने और शायद हंसने पर भी मजबूर कर दे। जहां एक सब्जी व्यापारी के गोदाम पर चोरों ने धावा बोलकर इस गोदाम से रुपया पैसा नहीं बल्कि नींबू की चोरी कर ली। जी हाँ, सही सुना आपने, इस गोदाम से नींबू के अलावा प्याज लहसुन पर भी हाथ साफ किया गया है। ये पूरा मामला थाना तिलहर क्षेत्र के बजरिया सब्जी मंडी का है। यहाँ के रहने वाले मनोज कश्यप की सब्जी मंडी में दुकान है, जहाँ वो सिर्फ नींबू, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन बेचते हैं।
व्यापारी का कहना है कि देर रात चोरों ने उनके गोदाम पर धावा बोलकर महंगे नींबू और दूसरी सब्जी चोरी कर ली। मनोज के मुताबिक चोरों ने गोदाम पर धावा बोलकर 60 किलो नींबू के साथ 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन भी चोरी कर लिया। चोरी किए गए नींबू की कीमत लगभग 12,000 रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि इस भीषण गर्मी में अगर कोई आराम पहुंचा सकता है तो वो था नींबू, लेकिन बढ़ते दामों ने नींबू के स्वाद को कसैला कर दिया है। इन दिनों नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं। खुले बाजार में इन दिनों नींबू की कीमत 280 तक पहुंच गई है, जिसके चलते नींबू की डिमांड भी बढ़ गई है। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में नींबू के दाम 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक चढ़ गए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.